ओके गाइस, तो फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद सैमसंग ने रिलीज़ कर दिया है A51 डिवाइस के लिए 1A5.1 की अपडेट। तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस अपडेट के बारे में। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को इस अपडेट की फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अभी तक आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है, तो फाइनली आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिल जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सैमसंग ने रिलीज कर दिया है A51 डिवाइस के लिए 1A5.1 की अपडेट। लेकिन गाइस, ये अपडेट जो है ना वो अभी ग्लोबली रिलीज किया गया है, कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज में ये अपडेट हमें देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो है ना वो हमें 10 डेज के अंदर अंदर तक फाइनली ये अपडेट जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाली है। वैसे यहाँ पे इस अपडेट के अंदर जो है वो 1 फरवरी 2023 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ 1A5.1 जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एंड्रॉइड 13 बेस्ड अपडेट रिलीज किया गया है। वैसे अगर हम बात करें फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स के साथ अपडेट जो है वो रिलीज किया गया है, तो जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से आप लोगों को न्यू बैटरी विजिट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी 1A5.1 के अंदर, जो कि काफी कूल सी बैटरी विजिट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे वॉच का कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बैटरी के आइकन देखने के लिए मिलेंगे, स्मार्टफोन का कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस एंगल का जो है ना वो बैटरी विजिट आप लोगों को यहाँ पे इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी कूल से बैटरी विजिट यहाँ पे इंक्लूड किए गए 1A5.1 के अंदर। अगला फीचर हमें सेटिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद मोड्स एंड रूटीन के अंदर जाएंगे, तो गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें गाइस स्लीप, ड्राइविंग, एक्सरसाइज, ये सभी फीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हो स्लीपिंग की, ड्राइविंग की, एक्सरसाइज की, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली टाइम टू टाइम आप लोग यहाँ पे ये सभी को फॉलो कर सकते हो, बेसिकली रिंगटोन सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो ना कि ये एक अलार्म की तरह जो है ना वो यहाँ पे वर्क करने वाला है। अगला फीचर जो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला वो भी सेटिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। देन यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाएंगे, फिर एडवांस फीचर्स में जाएंगे। एडवांस फीचर्स में जाने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नीचे के साइड में जो है ना वो स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी। देन यहाँ पे उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे ऑप्शन इंक्लूड किए गए, जैसे कि सेल्फी वीडियो साइज आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो स्मॉल और लार्ज सेट कर सकते हो। साउंड की क्वालिटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। साथ ही साथ वो फाइल किसी को शेयर करने के बाद जो है ना वो ऑटोमेटिक डिलीट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, वो भी यहाँ पे आप लोग सेटिंग कर सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार की फीचर आप लोगों को 1A5.1 के अंदर जो है ना वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ये भी एक काफी कूल सा फीचर आप लोगों को इस अपडेट के अंदर जो है ना वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। अगला फीचर हमें गैलरी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। कुछ इस प्रकार का फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है ना कि यहाँ पे कोई भी फोटो हम लोग क्लिक किए, देन यहाँ पे उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन पानी है ना कि हाँ कि कौन सी डेट को हमने फोटो क्लिक किए, कौन सी टाइमिंग के साथ हमने फोटो क्लिक किए, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसके लेआउट को चेंज करने की कोशिश की गई है, कुछ खास चेंजेस जो है ना वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, बट छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे किए गए। साथ ही साथ गैलरी के अंदर ही आप लोगों को जो है वो एडिटिंग टूल्स में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ नए वे फिल्टर्स इंक्लूड किए गए, छोटे मोटे टूल्स जो है ना वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए 1A5.1 के अंदर। तो ये फीचर्स भी आप लोगों को जो है ना वो गैलरी के अंदर इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। अगले फीचर के बारे में बात करें तो अगला फीचर हमें PIP मोड देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि पिक्चर इन पिक्चर मोड की फीचर जो है ना वो 1A5.1 के अंदर हमें इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यहाँ पे क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सभी में वर्क करने वाला है। बेसिकली मैप्स हो गया, इसके अंदर भी वर्क करने वाला है PIP मोड। बेसिकली क्या है ना कि आप लोग वीडियो प्ले कर सकते हो, देन यहाँ पे वीडियो प्ले के साथ साथ जो है ना वो कोई भी अदर काम कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी कैलकुलेट करना है तो देन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, गूगल यूज कर सकते हो, PIP मोड को इनेबल करके वीडियो भी देख सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो। तो ये फीचर काफी कमाल की आप लोगों को 1A5.1 के अंदर इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है, जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
अगला फीचर हमें गैलरी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है जो कि ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। गाइस मुझे पता है कि यहाँ पे 1.5.0 या 4.0 के अंदर भी हमें ऑब्जेक्ट इरेजर की फीचर देखने के लिए मिल जाती थी, बट गाइस उसमें क्या होता था ना कि हमें खुद से इरेज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे 5.1 के अंदर AI इरेजर इंक्लूड किया गया है। जी हाँ गाइस, यानी कि मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो क्या है ना कि अब यहाँ पे AI के थ्रू जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट को इरेज किया जाएगा। जी हाँ गाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट को देन आप सेलेक्ट करोगे, सिर्फ क्लिक करोगे, फिर ऑटोमेटिक जो है ना वो इरेज हो जाएगा, चाहे वो बैकग्राउंड इरेज करना हो या फिर से कोई भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना हो। लाइक यहाँ पे टेबल पे कुछ भी रख दो, टेबल पे कोई एक डब्बा ही है चाहे कुछ भी है, देन यहाँ पे उसे इरेज करना है तो उस पर क्लिक कर दो, देन वो ऑटोमेटिक काफी अच्छे तरीके से इरेज कर देगा। या फिर से किसी पिक्चर के बैकग्राउंड को इरेज करना है तो एक क्लिक में आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से पिक्चर के बैकग्राउंड को यहाँ पे AI जो है वो इरेज करने वाला है। नेक्स्ट फीचर हमें सैमसंग हेल्थ में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बॉडी कंपोजिशन का फीचर आप लोगों को यहाँ पे सैमसंग हेल्थ में देखने के लिए मिलने वाली, जो कि अपने वेट को पता कर सकते हो फोन के थ्रू ये, और यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि एक मिनट में आप लोगों का हार्ट जो है ना वो कितने बार बीट कर रहा है वो आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हो फोन से। गाइस यहाँ पे काफी एक्यूरेटली आप लोगों को बताता है ये फोन मॉनिटर करके, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हाँ कन्फर्मली जो है वो एक्यूरेट देखने के लिए मिल जाती है, बट काफी हद तक जो है ना वो एक्यूरेट यहाँ पे बताता है, जो कि एटलीस्ट ठीक ठाक आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। अगला फीचर आप लोगों को यहाँ पे हेल्थ के अंदर ही देखने के लिए मिल जाती है, जो कि साइकिलिंग, जब भी आप लोग यहाँ पे साइकिलिंग करोगे तो कितने टाइम तक आप लोगों ने साइकिलिंग की, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। ब्लड शुगर का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, BP ब्लड प्रेशर का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, स्लीप मोड आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ गाइस, यहाँ पे स्लीप मोड इनेबल करके आप लोग यहाँ पे स्लीपिंग कर सकते हो, जो भी काफी अच्छी फीचर से कह सकते हो। देन यहाँ पे स्टेप काउंटर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, देन यहाँ पे आप लोग स्टेप काउंटर स्टार्ट करोगे, उसके बाद जितने भी आप लोग यहाँ पे रन करने वाले हो या चलने वाले हो, स्टेप चलने वाले हो, तो वो है ना वो आपका डिवाइस काउंट करके बताएगा, और काफी एक्यूरेट यहाँ पे पहले के मुकाबले से किया गया है। अगला फीचर जो है ना वो हमें नोटिफिकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। समथिंग चेंजेस जो है ना वो नोटिफिकेशन के अंदर की गई है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही जो है ना वो एक अलग से टॉगल बनाया गया है, जब हम कोई भी म्यूजिक जो है ना वो प्ले करते हैं ना तो वो अलग से ही टॉगल्स में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से म्यूजिक जो है वो प्ले होने लगेगा, जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और गाइस म्यूजिक को यहाँ पे पॉज करते ही वो टॉगल्स जो है ना वो ऑटोमेटिक कह सकते हो कि साउंड में, ब्लूटूथ में, वाईफाई में, फिर से कह सकते हो कि नेटवर्क में, सिम वाले जो होते हैं तो इसमें शो करने लगेगा, और जैसे भी आप लोग यहाँ पे म्यूजिक प्ले करोगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अलग से सेक्शन बन जाएगा, जो कि काफी कूल सा नोटिफिकेशन पैनल हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगला फीचर हमें विजिट के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। 1.5.1 के अंदर कुछ न्यू से विजिट जो है ना वो इंक्लूड किए गए, जैसा कि आप लोगों को होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गैलरी के विजिट को भी यहाँ पे आप फोन के होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हो, जो कि काफी कूल से लुक हमारे डिवाइस को है ना वो प्रोवाइड कराता है। अगला फीचर हमें वॉलपेपर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। गाइस यहाँ पे वॉलपेपर सेक्शन को कुछ यहाँ वहां किया गया, वॉलपेपर को ऊपर से नीचे किया गया, और मे भी दो तीन वॉलपेपर भी जो है ना वो न्यू हमें 1.5.1 के अंदर इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट फीचर हमें कलर पैलेट के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। गाइस यहाँ पे कलर पैलेट के वे को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की गई है, समथिंग चेंजेस यहाँ पे कलर पैलेट के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 1.5.1 के अंदर हमें इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस इन्हीं कुछ फीचर्स के साथ जो है ना वो अपडेट को रिलीज किया गया। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि छोटे मोटे फीचर्स और भी काफी सारे आप लोगों को जो है ना वो इंक्लूड देखने के लिए मिलेगी, जैसे कैमरे के अंदर भी काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं, फाइल मैनेजर हो गया, और भी सैमसंग के जो कुछ ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना उसके अंदर भी हमें चेंजेस देखने के लिए मिलती है, छोटे मोटे से चेंजेस आप लोगों को ऑब्वियसली देखने के लिए मिल जाती है। तो वो सभी फीचर्स के साथ जो है ना वो अपडेट यहाँ पे रिलीज किया गया, जो कि आप लोग रेगुलर लाइफ में फोन यूज करोगे ना तो डे बाई डे आप लोगों को एक एक फीचर्स जो है वो पता लगने वाला है। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।